दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, इतनी सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। इवन मैंने भी इस पर 2-3 वीडियोस बनाई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वाई वन शुड कंसीडर दिल्ली यूनिवर्सिटी ओवर एनी अदर यूनिवर्सिटी, राइट। एंड मैंने खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। बट आज की वीडियो में हम ये बात नहीं करने वाले कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों बढ़िया है, क्यों आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। एंड इस वीडियो के बाद हो सकता है कि यू नीड टू रीथिंक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, दैट इज़ दी हार्श रियलिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। तो डेफिनेटली ऑनेस्ट वीडियो होने वाली है, काफ़ी रो अनफिल्टर्ड वीडियो होने वाली है। तो मेक श्योर करना आप एंड तक जरूर देखना वीडियो को, बिकॉज तभी आपको एक क्लियर कट चीज़ें पता लग पाएगी कि यार जो आपने मैनिफेस्ट कर रखा है या फिर जो आपने एक्सपेक्ट कर रखा है कि यार कुछ ऐसा होने वाला है, तो आज की वीडियो में वो सारा डिबंक होने वाला है कि एक्चुअल रियलिटी आपको पता लगने वाली है। मेरी वीडियो देखने के बाद आप किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात कर लेना जो पास आउट हो, ग्रेजुएट हो, वो आपको सेम ओपिनियन के साथ अपने व्यूज बता रहा होगा। तो इस वीडियो को बेसिकली मैं 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, आपको इनिशियली बता देता हूँ। पहले हम इसके हार्श रियलिटी के बारे में बात करेंगे, डीयू के अंदर क्या क्या ऐसी हार्श रियलिटीज जो नए बच्चे आते हैं उनको नहीं पता होता एंड लोग इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करते। बट आफ्टर दैट पार्ट वी विल टॉक अबाउट क्या क्या अच्छी चीजें भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको दोनों चीज पता हो, तभी आप एक बैलेंस डिसीजन ले पाओगे, अदरवाइज फिर बायस हो जाएगी चीजें। सो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स जंप ऑन टू टुडेज़ वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज़ वेल। सबसे पहले तो बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना 70+ कॉलेजेस है, और 70+ कॉलेजेस का मतलब ये नहीं है कि सारे कॉलेजेस बहुत बेटर है। आपको टॉप 15 या टॉप 20 कॉलेजेस में अगर जगह मिल रही है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी वर्थ इट। बट अगर उसके बाद आपको जगह मिलती है तो आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकते कि आपको उसी लेवल का ट्रीटमेंट, उसी लेवल की अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल रही होगी ऑन कैंपस, ठीक है। तो टॉप के अगर 15 कॉलेजेस 20 कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो रहा है, वो भी मैं टॉप के 15-20 इसलिए कर रहा हूँ कि 15-20 में भी डिसेंट कॉलेज आ जाते हैं। अगर टॉप 10 कंसीडर करोगे यानी नॉर्थ कैंपस के कुछ चुनिंदा कॉलेज, अगर उनमें एडमिशन मिलता है तो फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहाँ पर आपको टॉप स्टूडेंट्स मिल रहे होंगे जो पूरे देश से आ रहे हैं एंड आपको एक क्रीम मिल रही होगी, राइट। बाकी अदरवाइज अगर आप लोअर कॉलेजेस में जाते हो, Tier 2 या Tier 3 कॉलेजेस को प्रेफर करते हो, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको इतनी डाइवर्सिटी ना मिले। तो इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता, बट आई एम लेटिंग यू नो अबाउट दिस सो दैट आप एक वाइज डिसीजन ले सको। एंड एक प्रॉब्लम यहाँ ये भी आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आप सबके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी क्यों बनती है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड यूनिवर्सिटी एंड इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता जिसपे आप प्रेफर कर सकते हो या फिर जा सकते हो, राइट। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है एंड आई विश की और भी थोड़ी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज होती जो इस लेवल की टक्कर दे रही होती तो फिर भी आप ऑप्शंस में जा सकते थे, बट एक सबसे बड़ा रीज़न तो यही है जिसकी वजह से सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं ओवर अदर यूनिवर्सिटीज। नंबर 2 पॉइंट इज आपको उस लेवल की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो आपको हो सकता है कि अदर कॉलेजेस में मिल जाए, जैसे कि IIT IIIT के अंदर आपको अच्छी प्लेसमेंट्स देखने को मिलती है, राइट। वो चीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। आपको दिखते होंगे कि साल में 25 लाख का पैकेज, 30 लाख का पैकेज SRCC कॉलेज से लगा है, LSRC कॉलेज से 40 लाख का पैकेज लगा है, ठीक है, मिरांडा कॉलेज से बहुत अच्छा पैकेज लगा है, बट द रियलिटी इज वो सिर्फ 2 या 3 बच्चों का लगता है, ठीक है। अगर कोर्स के बात करूँ, अगर SRCC के अंदर भी आप सीट एलोकेशन की बात करो तो 200 से 250 बच्चे BCOM ऑनर्स के अंदर एनरोल होते हैं एक स्पेसिफिक टेन्योर के अंदर, राइट। एंड उसमें से सिर्फ 2 या 3 ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी हाईएस्ट प्लेसमेंट लगती है, बाकी सबकी एवरेज प्लेसमेंट लगती है। टॉप कॉलेजेस की अगर बात करोगे तो फिर भी आपको 7-8-10 लाख का पैकेज एवरेज देखने को मिल जाएगा, जैसे SRCC हिंदू हंसराज, यहाँ पर फिर भी आपको एवरेज या मीडियम पैकेज 10 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। बट अगेन वो ये भी नहीं है कि 100% प्लेसमेंट होती है। अगर BCOM ऑनर्स के अंदर 200 बच्चे हैं तो आप मान के चल सकते हो 25 से 30 बच्चों का पैकेज लगा होगा 10-12 लाख के आसपास, बाकी फिर सारे उसी रेंज के अंदर आते हैं विच कम्स अराउंड 3-7 लाख के बीच में, ठीक है। 7 लाख भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3-5 या 3-6 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे दूसरा पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आगे तो प्लेसमेंट गारंटी है। एंड अगेन प्लेसमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक कोर्सेज ओनली। अगर आप BCOM ऑनर्स, BCOM प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फिर इन जनरल कोर्सेज होते हैं जिनमें इन जनरल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है तो वहाँ पर प्लेसमेंट लगती है। बट फॉर एग्जाम्पल आप साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हो या फिर सोशियोलॉजी ऑनर्स कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज देखने को नहीं मिलती। अगेन फिर आपको फिर मास्टर्स के लिए जाना पड़ता है, बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपको कुछ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट Tier 1 कॉलेजेस। अगर Tier 2 या Tier 3 की बात कर लोगे फिर तो प्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, ठीक है। Tier 3 में तो आपको कंपनीज ही नहीं देखने को मिलती। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट सेल होते हैं बट वो वर्क ही नहीं करते, बिकॉज कंपनीज ही नहीं आती तो प्लेसमेंट सेल भी वर्क नहीं करते ढंग से। एंड अगेन इट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट एज वेल कि वो अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से लेके जाते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं अच्छी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ठीक है। Tier 1 में जा रहे हो
तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपको ठीक ठाक पैकेज मिल जाए या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाए। अगेन कन्वर्ट करना आप पे डिपेंड रहेगा, बट आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही होगी। बट टीयर टीयर टू और टीयर थ्री कॉलेजेस के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती, तो फिर जिसकी वजह से बच्चे कर ही नहीं पाते कुछ। तीसरी चीज आती है, डिपेंड करती है कम्प्लीटली आप पर, दैट इज स्टूडेंट मेंटेलिटी। स्टूडेंट ये सोच के आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया आपका लाइफ सेट है। आई एम सेइंग यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया अब लाइफ आपकी शुरू हुई है, ठीक है। कल तक आपकी लाइफ सेट थी, बट अब लाइफ सेट नहीं होने वाली, अब एक्चुअल में स्टार्ट हुई है। बिकॉज अभी आपको पता लगेगा कितने चैलेंजेस आते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज क्रैक करनी पड़ती है। हमेशा आपको प्लेट में सारी चीज़ सर्व नहीं होगी, ठीक है। आपको प्लेट दे दी जाएगी, उसमें आपको रखनी पड़ेगी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कि आपको किस चीज़ में फील्ड में एक्सपर्टीज लेनी है, तो वो आपको ट्राई आउट करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे ट्राई आउट करोगे वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज आएगी। आपने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फॉर एग्जांपल अगर एसआरसीसी में भी बैठे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि अपॉर्चुनिटीज खुद चल के आएगी, ठीक है। आपको टैग मिल गया, उस टैग को यूटिलाइज करके यू कैन डेफिनेटली क्रैक बिग अपॉर्चुनिटीज। बट ऐसा नहीं है कि टैग मिल गया तो बैठे बैठे अपने आप अपॉर्चुनिटीज आएगी, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस फ्रॉम डे वन, तभी आप ज्यादा सीख पाओगे, ज्यादा एक्सेल कर पाओगे। अगर आपकी मेंटेलिटी डे वन से ऐसे रहेगी कि यार मैं तो एसआरसीसी में हूँ, मेरे को आराम से प्लेसमेंट मिल जाएगी, मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, तो यू आर कम्प्लीटली इनटू नेगेटिव थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ होने ही नहीं वाली, मैं डे वन से क्लियर करके बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता कॉलेज के अंदर, अगर आप टीयर वन के कॉलेज में बैठे हो, एसआरसीसी में बैठे हो, तो आपके बैचमेट जितने भी 250 बच्चे 300 बच्चे बैच साइज है, वो सारे उसी कॉलेज में बैठे हैं, टॉप वन कॉलेज में बैठे, ठीक है, इंडिया के नंबर वन कॉलेज में बैठे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो ज़्यादा क्रेव करेगा, जो ज़्यादा हार्डवर्क करेगा, उसी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो ऑलवेज मेक श्योर फ्रॉम डे वन कि आपकी मेंटेलिटी सही होनी चाहिए टुवर्ड्स ग्रोथ स्पेसिफिक, ठीक है। इफ़ यू विल थिंक कि अपने आप मिलेगा, तो एज एन एवरेज स्टूडेंट यू विल एंटर द कॉलेज एंड एज एन एवरेज स्टूडेंट यू विल एग्जिट द कॉलेज। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो बच्चे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और टीयर टू टीयर थ्री कॉलेजेस के अंदर तो फिर अगेन बुरा हाल हो जाता है, तो आपको वहाँ पर तो हसल करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। टीयर वन कॉलेजेस को सोच के आप करीब कर भले कर लोगे, ठीक है, पहले साल किया मेरे को टीयर वन का कॉलेज नहीं मिला, मैंने मेहनत की थी, मेरे नंबर आए थे, फिर भी नहीं मिला, कट ऑफ ऐसी थी वैसी थी, 6 महीने 7 महीने ऐसे ही करीब करोगे, हर स्टूडेंट करता है, ठीक है। बट अगेन करीब करने से कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला, यू हैव टू पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। अब नहीं मिला तो नहीं मिला, कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उन 3 साल के अंदर। नेक्स्ट थिंग इज एकेडमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर कमिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप काफ़ी दूर शहर से आ रहे हो, आपके पेरेंट्स की उम्मीद होती है कि यार पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं तो बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे। नो डाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर हैं वो हाई क्वालिफाइड है, ठीक है, उनके पास PhD की डिग्री है, अपने अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है उनके पास, एंड यू कैन लर्न एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम। बट इट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट। टीचर आके नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है, स्टूडेंट पढ़ना चाहेगा तो टीचर पढ़ाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। IITs के अंदर होती होगी रेगुलर क्लासेस, ठीक है, स्ट्रिक्टली क्लासेस होती होगी, अटेंडेंस मेंटेन करनी होती होगी, राइट। DU के अंदर भी वो चीज़ धीरे धीरे फॉलोअप हो रही है, 67% कंपल्सरी अटेंडेंस कर दिया, बट स्टिल ऐसे कॉलेज है जहाँ पर अटेंडेंस का इतना इशू नहीं है, ठीक है। बच्चे पूरे पूरे सेमेस्टर कॉलेजेस नहीं जाते, एंड पढ़ाई का तो ऐसा सीन है कि 2 दिन पहले पढ़ के बच्चे पेपर पास कर लेते हैं, राइट। तो वो चीज़ मैं आपको डे वन से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, कि एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो, डेफिनेटली इट इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी, आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। प्रोफेसर के साथ अच्छे बना के रखोगे तो प्रोफेसर से बहुत कुछ सीख सकते हो, एंड उनके पास एक्सपर्टीज़, उनके पास वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ है जो आपको सिखा सकते हैं। बट अगेन यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। टीचर आके आपको नहीं पढ़ाने वाला जैसे कि स्कूल्स में होता है, तो ये चीज़ क्लियर कर लेना। ऐसा मत सोचना कि यार अब मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो मुझे अच्छी पढ़ाई देखने को मिलेगी, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा। बिकॉज आपके पास इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ड्यूरिंग दैट 3 ईयर्स, आपका माइंड डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट होगा कि यार मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आई शुड फोकस ऑन दैट, स्टडी को छोड़ दो, ठीक है। और एक टाइम पर सेक्रीफाइस कर भी देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कि बाकी चीज़ में ज़्यादा स्कोप है तो लेट्स फोकस ऑन दैट। बट अगेन अगर आप स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपको अपने एंड से एफर्ट्स डालने होंगे। डिस्ट्रैक्शन आ रही है तो उनको अवॉइड करना होगा, एंड यू हैव टू टेक दैट वन स्टेप। टीचर्स के पास जाओ, प्रोफेसर के पास जाओ, उनसे चीज़ें समझो, उनसे चीज़ें सीखो, एंड फिर अपने एग्जाम्स दो या फिर अपनी जो भी डे टू डे लाइफ है वहाँ पे भी आपकी नॉलेज यूज हो रही है वहाँ पर अप्लाई करो। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप ये सोचोगे कि यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रेशर आएगा तो वो नहीं आने वाला, ठीक है। 2-3 दिन 10 ईयर्स पढ़ के बच्चे पास कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस पर अड़े रहो, एंड जिस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस गोल के साथ आ रहे हो उस गोल के साथ 3 साल अपने बिताओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हार्श रियलिटी है जो लोग बात नहीं करते दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। अच्छी अच्छी चीज़ें सब बताएंगे, बट ये जो नेगेटिव पॉइंट्स है ये कोई नहीं पुट करेगा, बिकॉज
ये सब मैंने आपको बता दिया, नाउ यू हैव टू रीथिंक कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी है या फिर नहीं लेना। नाउ यू विल बी एबल टू मेक अ वाइज डिसीजन, अच्छी अच्छी चीजें देख के आप आ सकते हो राइट, एंड अच्छी अच्छी चीजें भी मैं गिना देता हूँ राइट, ताकि आप एक बायस डिसीजन ना बना पाओ कि यह सब नेगेटिव ही हो गया, पॉजिटिव भी बताना जरूरी है ताकि आप एक बैलेंस डिसीजन ले सको। लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग, कि पॉजिटिव चीजें क्या क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जिसकी वजह से यू कैन कंसीडर दिल्ली यूनिवर्सिटी एज ए गुड ऑप्शन, जो आपको शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर अपने लोकल यूनिवर्सिटी में देखने को ना मिले। शॉर्ट पॉइंट रखूंगा बिकॉज ऑलरेडी मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना चुका हूँ, मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, बट मैं 5-6 पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, एंडलेस नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है ठीक है, आपको इतने सारे इवेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर आप जा सकते हो और कोलैबोरेट कर सकते हो डिफरेंट लेवल के क्रिएटर्स के साथ या फिर अपने सब्जेक्ट मैटर फील्ड एक्सपर्ट्स के साथ आप मिल सकते हो, तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है। दूसरी चीज़, 70 कॉलेजेस है तो यू गेट ए चांस टू विजिट 70 कॉलेजेस ड्यूरिंग दैट 3 ईयर्स, एंड 3 साल के अंदर 70 कॉलेजेस के अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लोगों के साथ बात कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से फ्रेंड्स बना सकते हो जो आपको शायद आज काम ना आए बट इन लेटर इन फ्यूचर कभी भी काम आ सकते हैं ठीक है। यू नेवर नो कि कब कौन सा दोस्त कब काम आ जाए ठीक है, अगर आप SRCC में जा रहे हो ठीक है, एंड आप खुद कॉलेज आपका Tier 3 कॉलेज है, SRCC से आपको दोस्त बनते हैं या फिर मिरांडा से बनते हैं, हिंदू से बनते हैं, हंसरा से बनते हैं, डोंट मेक फ्रेंड्स विद द थॉट ऑफ कि यार मेरे को ये हेल्प करेंगे, बस वो मोटिव आ जाओ कि दोस्ती बनाने हैं ठीक है, बट वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाते हैं ठीक है। मतलब मेरे खुद के दोस्त हैं यार डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से, ऑलमोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के सब कॉलेजेस के अंदर एक एक दोस्त मेरे को जानता है ठीक है, तो आई हैव दैट लेवरेज कि मेरे को किसी भी दोस्त से कोई भी काम हो या फिर किसी कॉलेज के बारे में कुछ जानना हो तो मेरे को फर्स्ट हैंड पे सारी चीज़ें पता लग सकती है राइट, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है। दूसरी चीज़ है फेस्ट होते हैं, इवेंट्स होते हैं ठीक है, जिसकी वजह से आपको एक बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रॉन्ग होने लगता है आपको कि इवेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक की जाती है कि प्रॉफिट्स हो भी रहे हैं नहीं हो रहे, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने हैं ठीक है, फाइनेंशियल चीज़ें आपको समझ में आती है और उसके साथ साथ मैनेजमेंट की चीज़ें समझ में आती है, टीम कैसे बिल्ड की जाती है, टीम को मैनेज कैसे किया जाता है, लीड कैसे किया जाता है, फिर इवेंट एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है और लास्ट मोमेंट पर जो गड़बड़ होती है इवेंट्स में उसको कैसे टैकल किया जाता है, एक प्रेशर वाली सिचुएशन में आके ओवरकम करके रिजल्ट्स कैसे डिलीवर किए जाते हैं ठीक है। थर्ड थिंग इज़ आपके पास इतना एकेडमिक प्रेशर नहीं होता जिसकी वजह से आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, अपना स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आप साइड हसल कर सकते हो और विद द टाइम आपको रियलाइज भी होता है कि यार पढ़ाई के अलावा और भी ऐसी चीज़ें जिसमें मेरा इंटरेस्ट है एंड आई कैन मेक अ करियर इन दैट ठीक है, तो आपका पैशन भी प्रोफेशन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतने स्टार्टअप निकलते हैं, इतने लोग होते हैं जो क्रिएटिव फील्ड के अंदर जाते हैं राइट, तो जब वो आते हैं उनका मोटिव वो नहीं होता बट विद द टाइम वो मोटिव चेंज हो जाता है बिकॉज जब डिफरेंट लोगों से मिलते हो जो आपके माइंडसेट से रिलेट करवाते हैं तब आप एक कुछ नया चीज़ क्रिएट करते हो राइट, आपका माइंड डाइवर्स होता है, आपका होराइजन बड़ा होता है एंड यू स्टार्ट थिंकिंग यार और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा यार एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा ठीक है, DU के फ़ायदे बहुत हैं बट नुकसान मैंने आज की वीडियो में बता दिए, एंड आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है DU में आने के लिए बट उनको ये हार्श रियलिटी नहीं पता था ठीक है। And I will catch you in the another video. Till then, this is Tushar Jain signing off. Social media handle के link description में दे रखते हैं, आप check out कर सकते हैं, follow भी कर सकते हो to know my Delhi University की life, क्योंकि मैं LinkedIn पे share करता रहता हूँ और Insta पे भी मैं informative reels या फिर engaging reels बनाता रहता हूँ, तो आप जाके follow कर सकते हो अगर आप comment करें, बाकी subscribe कर देना because और भी ऐसी information videos आपको channel पे मिलती रहेगी और comments में अपने review दे जाना कि video कैसी लगी and what kind of video you would like to see in future as well.